नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। अब अगर अन्ना हजारे की बात की जाए तो अन्ना हजारे ने भी साफ कर दिया है कि सरकार है कि लोकपाल विधेयक और काले धन के मुद्दे को सुलझाना ही नहीं चाहती। उधर रेवाड़ी रेप मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। पूरी तरह से सरकार खुलकर सामने आ गई है बाबा रामदेव के लिए। रोहतक में आज बीजेपी का 11वां प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। इस चुनाव पर प्रदेश के पूरे सियासत की नजरें बनी हुई हैं। रतनलाल कटारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता। दीपक भारद्वाज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। दीपक, अगर बात की जाए प्रक्रिया सुना है कि शुरू हो चुकी है। रघुवा, स्वागत है आपका। मामला तकरीबन 2 महीने पहले का है। आरोपी के खिलाफ परिजन अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह से पुलिस चेतावनी दी गई सरकार को। 25 तारीख को ट्रेलर होगा, उसके बाद पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से महिला अपराधों के मुद्दे पर खापों की निगरानी करने की अपील की है। केंद्र सरकार की इस अपील पर कोर्ट ने कहा कि सरकार की मांग पर गौर किया जाए। उधर रेवाड़ी रेप मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का असर हुआ है। संदीप जी, एक सवाल यहां पर खड़ा होता है कि काले धन का मुद्दा है बाबा रामदेव का, और सरकार आज कह रही है कि काला धन आपके पास ही है, कितना सही मानते हैं? इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।